साथियों नमस्कार, मार्केट संवाद में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं बात कर रहा हूँ झांसी के कचहरी के प्रांगण में बैठा हूँ, जो कि हमारे बीच में अधिवक्ताओं के चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं, तो इसी बीच में हमारे बीच में एडवोकेट अजहर कदीर जी, जो कि चुनाव में भागीदारी निभा रहे हैं, हिस्सेदारी निभा रहे हैं। साथियों जानते हैं कि अजहर कदीर जी आ गए हैं पहली बार मैदान में चुनाव के अंदर, तो आखिरकार कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कौन कौन से अधिवक्ताओं की मदद करने के लिए क्या सोच विचार इन्हें बना रखी है, और इनसे डायरेक्ट ही मिलते हैं। अजहर कदीर जी से हमारे बीच में बैठे हैं एडवोकेट अजहर कदीर जी। कदीर साहब नमस्कार, मार्केट संवाद में स्वागत है आपका। अभी तक चुनाव में पहली बार आपने एक भागीदारी ली है, हिस्सेदारी ली है, क्या मानते हो आप, कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुद्दे जैसे कि आपका जल व्यवस्था सही होना चाहिए, आरओ लगना चाहिए, आपकी स्वच्छ टॉयलेट होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए, और जैसे कि हमारा हॉल है जो क्या कहते हैं 100 साल पुराना है, इसको आधुनिक बनाने के लिए जिसमें एसी लगे हों, इंटरनेट की व्यवस्था हो, बैठ के पढ़ने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था एक अच्छी होना चाहिए। अजय जी देखा जाए, मैंने अधिकतर अधिवक्ताओं के मुख से सुना है कि सीनियर अधिवक्ताओं जूनियर अधिवक्ताओं की थानों के अंदर एक उनका सम्मान नहीं होता है, इसके ऊपर भी कुछ लड़ाई करना चाहोगे आप? नहीं, लड़ाई तो करना चाहेंगे, मगर सीनियर हमारे हमेशा क्या कहते हैं जूनियरों का सम्मान करते हैं, और जूनियरों का हित बस यह है कि उनको क्या कहते भत्ता, जो क्या कहते हैं महीने का 1,000 रुपये या 2,000 रुपये कम से कम मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना रोजी रोटी चला सकें आगे। देखा जाए चुनाव कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अभी आप हर अधिवक्ताओं से मिलने जा रहे हो, बिल्कुल कैसा क्या माहौल नज़र आ रहा है आप? माहौल बहुत अच्छा है, और क्या कहते माहौल को और अच्छा बनाएंगे। चुनाव का सबसे बड़ा श्रेय किसको मानते हो, जो आपके साथ में इतना बड़ा कदम से कदम चल रहा है? मैं अपना सबसे बड़ा श्रेय मिस्टर शमीम खान को मानता हूँ, जिन्होंने मुझे खड़ा किया है चुनाव के लिए, और मुझे प्रोत्साहन दिया है कि आप खड़े हुए अपने छोटे भाई को। अधिवक्ताओं की दुआ से, भगवान की कृपा से अगर विजय होते हो, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि आधुनिक भवन के अंदर एसी, जो क्या कहते हैं एसी लगे, जिससे कि बैठ के लोगों को पढ़ने की व्यवस्था हो सके, और जैसे कि क्या कहते हैं आरओ वाटर लगे, और आपका क्या कहते हैं टॉयलेट अच्छी बने। धन्यवाद देते हैं एडवोकेट अजहर कदीर जी को, जो कि संक्षेप में अपनी व्यवस्थाओं के साथ मार्केट संवाद को इन्हें बताया कि सारी सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे, अगर कृपा होती है यहाँ के अधिवक्ताओं की, भगवान के आशीर्वाद। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद।